गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। नमस्ते राजीव सर, नमस्ते जी मैम। निहारिका मैम, हाउ आर गुड इवनिंग। आई एम फाइन मैम, हाउ अबाउट यू? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। इवनिंग राजीव सर। गुड इवनिंग मैम। चलिए तो आज का वेबिनार यहीं से शुरू करते हैं। बहुत ही बहुत सबको नमस्कार मेरी तरफ से। आज का जो ये वेबिनार है, ये मैं आपको थोड़ा कल जो चीजें हो गई थी वो हम इसको आज एक बार रिवाइज कर लेंगे, और इसके अलावा मैं आपको थोड़ा और बताने की कोशिश करूंगी कि 200, 300, 500 आज जो कोर्स है RYT का, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, इसमें आपको और क्या जानने के लिए मिलेगा। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है शची खेमुका, मैं नागपुर में रहती हूँ। पिछले कुछ सालों से योगा अभ्यास कर रही हूँ, टीचर भी हूँ, और शुभ योगा के साथ पिछले साल से मैं टीचर्स ट्रेनिंग में पढ़ा भी रही हूँ, फेस योगा टीचर, दूसरे टीचर्स कोर्सेस। तो मैं इनके साथ काफी समय से टीचर्स ट्रेनिंग में हूँ। इसके अलावा मैं आपको अभी आज के वेबिनार के लिए एक रिक्वेस्ट है कि सब प्लीज अपना अपना माइक म्यूट पे रखेंगे, क्योंकि लोगों को बहुत परेशानी होती है, डिस्टरबेंस होता है। ट्राई कीजिए कि आपका हाथ गलती से इस पे ना लग जाए, कि वो अनम्यूट हो जाए और वो बाद में किसी को परेशानी हो। जैसे अभी अखंख्य जी, हाँ अभी म्यूट हो गया, ठीक है, थैंक यू। एक और अखंख्य जी, आपने दूसरे फोन से भी ज्वाइन किया है क्या? यहाँ पे दो अखंड दिख रहे हैं, एक अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। जैसे ही मुझे कोई क्वेश्चन पूछना होगा मैं आपको अनम्यूट करूंगी, आप बोल सकते हैं या रेज कीजिए प्लीज हैंड, कुछ आपको पूछना है तो। आज दूसरा और आखिरी वेबिनार है, हम आपको क्वेश्चंस का भी टाइम देंगे, आपके जो भी मन में डाउट है, क्वेरी है कोर्स के बारे में, वो आप पूरा क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। आपको हम पूरी ट्राई करेंगे कि आपका आंसर्स हम दे पाए, ठीक है। आज शुरू करते हैं। जैसे कल आपने पूरे, आप आई एम श्योर आप में से काफी लोगों ने कल भी वेबिनार अटेंड किया था, तो इसमें जैसे ही हमने बताया कि टीचर्स ट्रेनिंग जो कोर्स है योगा अलायंस RYT के थ्रू, ये होता है रजिस्टर्ड योगा टीचर। तो आप जब ये 200 या 300, 500 कोर्स का आवर्स का कोर्स कर लेंगे, आपको सर्टिफिकेशन दिया जाएगा, और बाकी किसी भी इंस्टीट्यूट या जो एक एंटिटी होती है तो सर्टिफिकेशन करता है, उसकी अपेक्षा ये टीचर्स ट्रेनिंग जो होती है ये ट्रेनिंग बेस्ड होती है। आप लोगों को पता होगा इसमें एग्जाम नहीं होगी, लेकिन आपका ये बेसिक मानना है हमारा कि ये ट्रेनिंग बेस्ड है। आपको जितनी ट्रेनिंग दी जाएगी उसमें आपको पूरा हम ये सोच रखते हैं कि आप जितना ट्रेनिंग दी जाए उतनी आप पढ़ाई करें। सेल्फ स्टडी भी जरूरत है, ऐसा नहीं कि 2 घंटे की क्लास कर ली, इसमें आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आपने छोड़ दिया, उसको फिर से रिवाइज कीजिए। जो भी डाउट्स है आपके टीचर से, गुरु से पूछिए, वो कीजिए, क्योंकि एग्जाम नहीं होने वाली है, लेकिन आपकी नॉलेज बहुत जरूरी है। जो भी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं आप, क्योंकि आगे लोगों को पढ़ाएंगे, लोगों को योगा सिखाएंगे, ये फिजिकल ट्रेनिंग होती है। दूसरे लोगों की जब आप क्लास लेंगे, उनका बॉडी, उनके बॉडी पार्ट्स, उनकी हेल्थ आप समझ लीजिए आपके हाथों में है। तो आपके पास जब तक नॉलेज नहीं होगी कोई भी चीज की, कुछ छोटी भी चीज है, तो आप उनको नहीं सिखा सकते। इसलिए आपका दायित्व है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पूरे अपने हिसाब से, अपने माइंड में आपके पास जितनी हो सके नॉलेज रखिए। और फिर योगा तो ऐसा एक विषय है, या कोई भी पढ़ाई की बात ले लीजिए, तो वो हमेशा चलती रहती है। अपने आप को अपडेट रखना एक टीचर के लिए बहुत जरूरी है। तो आज मैं यही बताने वाली हूँ, जैसे आपको कल बता दिया कि क्या क्या इसमें टॉपिक्स आएंगे, है ना। प्राणायाम हो गया, योग क्या होता है, मेडिटेशन क्या होता है, अष्टांग योग क्या होता है, कौन कौन से लिटरेचर या ग्रंथ इसमें पढ़ने होते हैं, 200, 300, 500 आवर्स के ट्रेनिंग के हिसाब से ग्रंथ आपको पढ़ाए जाएंगे, जो 200 में होंगे उससे ज्यादा ग्रंथ और लिटरेचर 300 आवर्स में होंगे, 500 आवर्स में थोड़ा और ज्यादा होगा, तो ये एडवांस होती चली जाएगी, है ना, ऐसे रहता है। तो इसके अलावा और आपको क्या, टॉपिक्स के अलावा आपको और क्या जानना चाहिए, वो भी आपको क्या पढ़ाया जाएगा, योगी कैसा होना चाहिए, है ना। हम सब योगी हैं, योग्य टीचर्स बनने वाले हैं,
तो सबसे पहला एक माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए किसी के भी कि योगी कैसा होना चाहिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे रोज, तभी आप दूसरे को मोटिवेट कर पाएंगे और सिखा पाएंगे कि रोज करिए, नहीं तो आप ही नहीं करेंगे तो दूसरे को कैसे सिखा पाएंगे। जब हम में ही कोई ऐसी, मैं बीमारी की बात नहीं कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि योगा टीचर्स और योगा करने वाले बीमार नहीं पड़ते, कफ कोल्ड छोटी मोटी बीमारी या कभी कभी बड़ी बीमारी, क्योंकि जेनेटिक्स भी कोई चीज होती है, जेनेटिकल है तो कई बार उसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको दूर भिगा सकते हैं। थोड़े से आप क्या कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा आपके बॉडी को असर ना करे, एक छोटा सा डेली का, मतलब जो एक डिसऑर्डर बोल सकती हूँ मैं, बीमारी तो नहीं होती, मोटापा है ना, काफी चीजों के कारण होता है, काफी अलग अलग रूट कॉज की वजह से होता है, ज्यादा खाना या अपने पे ध्यान ना देना, या आपको जो औरतें होती है उसमें पीसीओडी पीसीओएस हो गया, या कोई हार्मोनल चेंज हो गया है ना। तो ये हमने क्या किया, मतलब जो बहुत ज्यादा ओबेस की मैं बात कर रही हूँ, ओवरवेट या ओबेस लोग हैं, तो उनको क्या हो गया, जब हमारा वजन बढ़ रहा था तब हमने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए वो इतना बढ़ गया कि अब वो कम करना मुश्किल हो गया। तो इसकी चीजें आपको क्या होता है ना, हमको और आप, मतलब जो हम योगा टीचर्स हैं या जो हम योगा टीचर्स क्लास ले रहे हैं किसी और की, उनको ध्यान में रखिए, अपने शरीर को भी और जिसकी आप क्लास ले रहे हैं, कि बॉडी सिग्नल देती है, ये उन तक पहुंचाना कि आपकी बॉडी सिग्नल देगी अगर बॉडी के साथ कुछ खराब है तो, ये आपका दायित्व है। तो पहला क्या टॉपिक हो गया, योगी को कैसा होना चाहिए, मतलब एक टीचर को कैसा होना चाहिए, और दूसरा हो गया कि योग शिक्षक को कैसा होना चाहिए, योगी जो रोज प्रैक्टिस कर रहा है और योगा टीचर जो योग शिक्षक शिक्षिका है, उसको अपने बारे में भी पता होना चाहिए, आपके क्लाइंट्स के बारे में भी पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो हमको टीचिंग करते समय माइंड में रखनी है। ओवरव्यू देती हूँ आपको, शिक्षक कैसा होना चाहिए योग का, कि अपने आप की पहचान होना चाहिए, आपको कितनी नॉलेज है कितनी नॉलेज नहीं है, जो आपको आता है वो सिखाइए, जो आपको नहीं आता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हमको एक चीज नहीं आती है, बोलिए कि हमको ये नहीं आता है तो हम ये नहीं करवाते हैं। हर इंसान को हर चीज नहीं आ सकती, पूरा हम 100% हो नहीं सकता क्योंकि बहुत पढ़ाई लगती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ह्यूमन नेचर है, भूल जाते हैं, गलती कर देते हैं, तो अपनी गलती को स्वीकार कीजिए, अब उसको लेके आगे बढ़िए, है ना। ऐसे नकारने से सिर्फ नाम खराब होता है और आपकी नॉलेज भी खराब होती है। तो ये सारे योग शिक्षक को कैसे होना चाहिए, जैसे आप समय पे रहिए, आपकी क्लास में आप समय पे रहिए, बाकी कब आते हैं वो आप थोड़ा थोड़ा स्ट्रिक्ट रह के, या आपकी क्लास में आप कैसे कल्चर रखते हैं उस पे डिपेंड करता है, लेकिन आप टीचर हैं आप समय पे आइए, है ना, हमेशा तैयार होना चाहिए। हम जब टीचर हैं तो हमको अपना होमवर्क करके आना है, हमें पता होना चाहिए आप क्लाइंट के लिए क्या ले रहे हैं, आपका प्लान क्या है, क्लाइंट को क्या प्रॉब्लम है, उस हिसाब से योगा करवाएंगे। हर चीज आप उसको नहीं दे सकते, एज देखिए, जेंडर देखिए, कोई शारीरिक परेशानी है, अगर एक्सीडेंट हुआ है, सर्जरी हुई है, उसके बाद क्या करवाना है, उसके पहले क्या करवाना है, ये सब योग शिक्षक को पता होना चाहिए। क्लाइंट को तो नहीं पता रहेगा, वो तो आपके पास आ रहा है करने के लिए, परिचय दीजिए, अपना परिचय दीजिए, नई नई क्लास है तो अपना परिचय दीजिए, देखिए कहाँ गलती हो रही है, गलती पे डांटिए मत, खीजिए मत, इरिटेट मत होइए, आपका काम है उनको समझाना। तो ये सब एक योग शिक्षक की पहचान होनी चाहिए। योग में सबसे पहली बात, आप गुस्सा नहीं हो सकते, यही तो योग है, आपने जब अपने पे संयम रखेंगे तभी तो हम दूसरे को सिखा पाएंगे, तो गुस्सा नहीं होना है आप सिखाने के लिए या दूसरा सीखने के लिए है, जितनी बार आप सिखाएंगे उतनी बार आपको सिखाना, मतलब उसको जब तक नहीं आएगा सिखाना पड़ेगा, धीरे धीरे आता है, फिजिकल एक्सरसाइज है, मेंटली इतना नहीं होता है, फिजिकल एक्सरसाइज है। तो और हमेशा हंसते रहिए, कई बार हमारे भी खराब दिन होते हैं, हम भी बीमार पड़ते हैं, मन फिजिकल अच्छा नहीं रहता, बॉडी नहीं रहता, अगर आपको लगता है कि आज क्लास नहीं ले सकते मत लीजिए, अपने खराब मन और मनोस्थिति के साथ दूसरे का दिन मत खराब कीजिए, दूसरे का क्लास एक दिन आप नहीं लेंगे चलेगा, तो आप अपने हिसाब से अपने पे भी ध्यान रहना चाहिए। तो ये होता है कुछ कि योगी को कैसा होना चाहिए, योग शिक्षक को कैसा होना चाहिए। फिर आ जाते हैं टीचिंग मेथड्स, आपका मेथडोलॉजी जरूरी नहीं है कि सारे योग टीचर्स एक ही तरीके से पढ़ाएं,
कुछ लोग बैठ के, जैसे कल निहारिका मैम ने बताया, बैठ के शुरू किया था, जो प्रैक्टिकल क्लास शुरू की थी, सूक्ष्म व्यायाम शुरू किया था। कई लोग खड़े होके करवाते हैं सूक्ष्म व्यायाम, वो भी सही चीज है। जरूरी नहीं है कि जो इन्होंने किया अगर दूसरा अलग करवा रहा है तो वो गलत है। सबके टीचिंग मेथड्स अलग हैं। फाइनल बॉटम लाइन क्या होती है, आपको जो आसन है उसका जो फाइनल पोजिशन है, मतलब हिंदी का मैं नाम भूल रही हूँ उसका, लेकिन जो फाइनल पोजिशन है आसन का वो सही होना चाहिए, है ना। तरीका आप अपने हिसाब से लग सकते हैं, अलग अलग टीचर्स अलग अलग हिसाब से। जैसे एक क्वेश्चन कल किया था किसी ने कि सूर्य नमस्कार करते हुए, कि ये तो पर्वत आसन आता है दोनों तरफ, दोनों पोजीशन पे, और मैडम ने एक फलक आसन किया था। पर ऐसा है कि क्या है ना, योग के जो शास्त्र लिखे गए इनको 400-500 साल हो गए हैं लिखे हुए हैं, तो जैसे जैसे वो ट्रांसलेट होता हुआ, सुनते सुनते लोगों ने कुछ कुछ लिखा, एक दो चीजें, कुछ चीजें चेंज हो गई, या लोग अलग तरीके से उनको, जिन जिनके पास आया, कुछ गुरुओं को लगा कि ये एक चेंज होना चाहिए, उन्होंने चेंज कर दिया। जैसे आज के टाइम में आप देखेंगे तो अयंगर योगा थोड़ा सा अलग होता है, जो ट्रेडिशनल योगा आता चला जा रहा है वो थोड़ा सा अलग, सॉरी, अलग होता है। तो कुछ भी गलत नहीं है, फाइनली वो है योगासन ही। तो पर्वतासन की जगह कई बार फलक आसन भी करते हैं लोग सूर्य नमस्कार में, पर गलत नहीं है। फाइनली होना चाहिए 12, क्योंकि वो सूर्य नमस्कार है, हम दिन की बात कर रहे हैं, वो भी आप थियरी में पढ़ेंगे आगे कि, तो वो 12 घंटों को दर्शाता हुआ 12 स्टेप्स हैं। कई लोग 14 स्टेप्स करते हैं, बेसिकली वो एक सीक्वेंस है, उसको अलग अलग नाम दे दिया गया है, सूर्य नमस्कार ए बी सी, अलग ऐसे, है ना। तो इतना माइंड पे प्रेशर नहीं डालना है कि अरे ये तो ऐसा था फिर ऐसा कैसे हो गया, अपनी समझ से लेके चल, ठीक है। तो ये हम, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको समझ में आता जाएगा कि ये थोड़ा सा अलग हो रहा है, लेकिन कोई गलत नहीं हो रहा है, अलग हो सकता है गलत नहीं हो सकता, तो ये कर सकते हैं। डाउट्स क्लियर करना डेफिनेटली हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, तो सब जगह से थोड़ा बहुत अपडेशन, वीडियोस देखिए, गुरुओं से बात कीजिए, तो जो मैक्सिमम मेजोरिटी जहां से आपको पता चलता है एक थिंग के बारे, एक बार चीज के बारे में, उसको लेके आगे चलिए। ये आपकी पढ़ाई अपडेशन का तरीका रहना चाहिए, अपने आप को अपडेट करते चलिए। तो ये होता है कुछ कुछ कि आप योगा टीचिंग मेथड्स में कैसे करेंगे। कुछ इसमें पॉइंट्स हैं कि जैसे सब लोगों को, मतलब आप क्लास में टाइम पे आइए, लोगों पे हंसिए मत, गलती पे हंसिए मत, उसको सुधार के आगे चलिए, हर किसी को इंक्लूड कीजिए। योगा धर्म जाति में किसी में विश्वास नहीं करता, ये सबके लिए है, ये फिजिकल आपका बॉडी और मेंटल हेल्थ के लिए है, ये रिलीजियस हेल्थ के लिए, कल्चर के लिए नहीं है, ठीक है। तो आप सबको इंक्लूड कीजिए, सब तरीके के लोगों को, सब धर्म जाति के लोगों को इंक्लूड कीजिए, बच्चों को, जिस एज के बच्चों से ले सकते हैं उनको आप लीजिए, उनको उनके हिसाब से आसन और प्राणायाम सिखाइए, सबको इंक्लूड कीजिए। कुछ धर्म में ऐसा है कि हम ओम जप नहीं कर सकते हैं, मेरे पास बहुत क्लाइंट्स हैं कि हम ओम जप नहीं कर सकते लेकिन हमें योगा करना है, तो एक चीज के कारण आप पूरा योगा नहीं छोड़ सकते, करवाइए, एक चीज नहीं कर सकते उसको स्किप कर दीजिए। तो ऐसे शिक्षक को होना चाहिए कि वो सबको कैसे लेके चलेगा, सबको कैसे, आप सब धर्म जाति के लोगों को लेके कैसे चल सकते हैं। फिर आसन, प्राणायाम, बहुत सारी मेडिटेशन में डूज एंड डोंट्स होते हैं, एज की वजह से कई लोग नीचे नहीं बैठ सकते, तो ऐसा है क्या कि नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। आप उनको अलग जगह पे, या तो बेड पे या सोफे पे या कुर्सी पे करके करना है, बोलते हैं ना समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा है, इसलिए इसी तरीके से आपको सबको लेके चलना है, जवान लोगों को भी, बूढ़े लोगों को भी, जिनका एक्सीडेंट हुआ है उनको भी, जो कुछ वजह से नहीं कर पा रहे हैं उनको भी, कुछ आसन है वो नहीं कर पाएंगे, इजी आसन कर पाएंगे वो तो कर सकते हैं, वो तो हम करवा सकते हैं, तो उसी चीज का आपको ध्यान रखना है। ग्रुप क्लासेस और पर्सनल क्लासेस कैसे लेंगे वो भी, है ना, पर्सनल क्लासेस में आप एक व्यक्ति पे ढंग से ध्यान दे सकते हैं, उसकी सारी आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी पता रहता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, कौन से आसन कर सकते हैं कौन से नहीं कर सकते। एक ग्रुप क्लास में अगर 30-40 लोग हैं तो सब पे कैसे ध्यान देंगे, लेते समय उनको, उनसे आपको पूरा उनका बॉडी
और इश्यूज के बारे में पता होना चाहिए। फिर आसन करवाते समय आप बोल के चलिए कि बैक, जैसे जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि फॉरवर्ड बेंडिंग है, तो बैक बेंड जिसको है ये फॉरवर्ड बेंडिंग ना करे, बाकी करे। तो ऐसे आपको ग्रुप क्लास में लेके चलना चाहिए। तो ऐसे भी शिक्षकों को पूरा मेंटली बहुत अलर्ट होना चाहिए पूरे के पूरे टाइम। तो ये होती है कुछ चीजें कि टीचर कैसा हुआ, योगी कैसा हुआ। फिर आती है कोड ऑफ कंडक्ट की बात, ठीक है? आप लोगों के फिजिकल ट्रेनिंग के साथ बात करेंगे, काम करेंगे। कई बार क्या होता है, जब ऑनलाइन है तो ठीक है, टचिंग का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, लेकिन जब आप फिजिकल ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं आसनों को अलाइन करने के लिए या ठीक से जो पोजीशन आती है उसके लिए, कई बार आपको क्लाइंट को हाथ लगाना पड़ेगा। तो आपका जो टच है, जो स्पर्श है, वो ऐसा होना चाहिए कि किसी को खराब ना लगे, किसी भी अवस्था या स्थिति में किसी को खराब ना लगे। बहुत ज्यादा आजकल का जो टाइम है, लोग, लेडीज, जेंट्स, बच्चे बहुत सेंसिटिव हैं। स्कूल में छोटे बच्चों को किंडरगार्टन में गुड टच बैड टच सिखाया जाता है, तो टच को लेके वो बहुत सेंसिटिव हैं। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारे साथ कुछ खराब हो गया, नहीं तो वो आना बंद कर देंगे और वो आपकी सबसे ज्यादा नेगेटिव पब्लिसिटी होगी। तो आप अपने मन में और माइंड में साफ रखिए, आप उनको अलर्ट करके कि मैं ऐसे कुछ भी आप ध्यान से, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, हर तरीके से किसी को भी हैरेसमेंट नहीं लगना चाहिए, चाहे आपके इंटेंशन हो या ना हो। तो किसी भी तरीका का हैरेसमेंट, मतलब कई लोग क्या होता है ना, बहुत स्ट्रिक्ट टीचर्स होते हैं, आज आप कैसे नहीं आए, मैं ऐसे थोड़ी हूँ, मैं आपके लिए क्लास चला रहा हूँ। आप टीचर हैं, आपका क्लाइंट किसी वजह से नहीं आया तो आप उसको लेके चलिए। तो ये हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए कि आपकी क्लास कर ली तो जेल में बंद हो गए, ये भी हैरेसमेंट होता है। दूसरा फिजिकल हैरेसमेंट भी होता है, कई लोग करते हैं अलग अलग तरीके के, सेक्सुअल अब्यूज और हैरेसमेंट की बात कर रही हूं मैं। इसके अलावा जो आपके लोकल लीगल रूल्स हैं आपकी सिटी के, आपके कंट्री के, उसको ध्यान में रखते हुए आप आपकी क्लास चलाइए। कोई भी ऐसी चीज ना कीजिए कि इलीगल हो जाए, है ना। एंटी हैरेसमेंट होना चाहिए, एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट होना चाहिए। आप किसी को गलती से हार्म ना पहुंचा दो। अब भाई किसी को L4 L5 में बुरी तरह प्रॉब्लम है, लंबर की बात कर रही हूँ मैं, बैक प्रॉब्लम, तो अगर आप उनको बैक पेन है या स्लिप डिस्क है ना, आपको नहीं पता है या आपके दिमाग से निकल गया, आपने फॉरवर्ड बेंडिंग करवा दी या कोई ऐसे आसन करवा दिया जिसपे असर पड़ रहा है उस पे, तो उसको हार्म हो जाएगा, आप तो करवा के निकल लोगे, वो 10 दिन के लिए बेड रेस्ट पे पहुंच जाएगा। तो बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा कि ये आप हार्म अपने क्लाइंट को ना दीजिए। इंक्लूड ऑल हो गया, और स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप का ध्यान रखिए। ये सारी चीजें क्लास में जैसे आती है, तो ये कुछ चीजें हो गई। जैसे फिर प्रार्थना की बात, हमने प्रार्थना से शुरू किया था कल, जो प्रैक्टिकल क्लास है ना, तो प्रार्थना से सिर्फ हम क्लास शुरू नहीं करते, प्रार्थना के बारे में भी आपको बताया जाता है, जैसे मंत्रों का क्या इम्पोर्टेंस है, प्रार्थना का क्या इम्पोर्टेंस है। कुछ कुछ प्रार्थनाएं जैसे हम लेते हैं, गायत्री मंत्र हो गया, जैसे कल जो मैडम ने लिया था पातंजलि जी की, जो पातंजल जो ऋषि मुनि थे, ये उनकी एक प्रार्थना थी, है ना। ये कहाँ से लिए गए हैं, कौन से वेद में पाया जाता है, उस प्रार्थना का अर्थ क्या है ना, मंत्र क्या होता है, मंत्र जब जपना है उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है, और जो बीज मंत्र होते हैं, बीज मंत्रों का क्या इम्पोर्टेंस होता है, ये सब भी आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। डेफिनेटली जो इनका लेवल होगा वो अलग अलग लेवल के हिसाब से आपको सिखाया जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो कल हम मतलब रह गई थी, और ये हम आपका आज कवर करना चाहते थे। तो ये हो गया आपके कोर्स के बारे में। अगर आप सभी अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल ले लेते हैं, जितना आप सब कर पाए, जिसको इच्छा है वो कीजिए, अपने अपने मैट्स पे जम जाइए। हम एटलीस्ट 15-20 मिनट, ज्यादा नहीं, एक छोटा सा सेशन ले लेते हैं, जो भी जितना कर पाए। 1 मिनट देती हूँ मैं आपको, आप लोग अपना योगा मैट या दरी जो भी लेना चाहते हैं, पानी पीना चाहते हैं 2-3 घूंट वो पी लीजिए, और फिर शुरू करते हैं। ओके okay?
सभी से निवेदन है, जो मेरा वीडियो दिख रहा है आपको स्क्रीन में विंडो, उसको पिन कर लीजिए तो मैं आपको बेटर तरीके से दिख पाऊंगी, है ना। और आपकी जितनी भी, जब भी आप बैठे कभी भी कोई भी क्लास लेने के लिए, सिर्फ योगा की बात नहीं है, योगा में तो आपको पूरा दिखना चाहिए, पूरी बॉडी जहां तक आए वहां तक लिखिए। थोड़ा 5-6 फुट दूर होना चाहिए आपका फोन या लैपटॉप, और जमीन से 2 से 2.5 फीट ऊपर। तो मेजरली सभी फोन्स में तो ये पूरी बॉडी आ जाती है। ये पहले मतलब ये भी तरीका बताया जाता है कि आपको कैसे फोन रखना है, कैसा आपको एंगल दिखना है ना। आप मैट्स रखिए, एक रखिए या दो रखिए, कई लोग दो भी रखते हैं, उसके हिसाब से ध्यान से रखिए, ठीक है। कल के आसनों से शुरू करेंगे, पहले प्रार्थना लेते हुए और फिर सूर्य नमस्कार से शुरू करेंगे। पहले प्रार्थना ले लेते हैं। ॐ भूर्भुवत्स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ घर्षण हाथों को रब कीजिए और ये पॉजिटिव एनर्जी आंखों और चेहरे पे लगाइए। मन में पॉजिटिविटी के साथ सूर्य नमस्कार से शुरू करेंगे, कल आपको सिखाया था, सब शुरू कीजिए। समस्थिति, नमस्कार आसन, सांसों की समस्थिति, उत्तानासन, हैंड्स अप, रेज योर हैंड्स, इनहेल, एक्सहेल, गो डाउन, बेंड फॉरवर्ड, राइट लेग बैक, अश्व संचालन, इनहेल, हेड अप, बोथ लेग्स बैक, पलकासन, बॉडी शुड बी इन अ स्लो पोजिशन इन पलकासन, अष्टांग नमन आसन, रिटेंशन, कोबरा पोज, इनहेल, माउंटेन पोज, एक्सहेल, राइट लेग फॉरवर्ड, अश्व संचालन, बोथ लेग फॉरवर्ड, बेंड डाउन, इनहेल, हैंड्स अप एंड नमस्कार। सब और करेंगे 2 राउंड, मैं देख रही हूँ सबको। 2 राउंड और कीजिए धीरे धीरे, सांसों का ध्यान रखते हुए। जब भी आपकी बॉडी एक्सपांड होगी, इनहेल करना है, कॉन्ट्रैक्ट होगी, एक्सहेल करना है। अगर 1.5 घंटे पहले कुछ खाया हो तो कीजिए, भरे पेट के साथ मत कीजिए। वेरी गुड, फॉरवर्ड बेंडिंग, जिनको भी बैक पेन है आधा ही जाइए, पूरा मत जाइए, अपनी अपनी बॉडी के हिसाब से कीजिए। वन मोर राउंड, वेरी गुड एवरीवन, बहुत अच्छे। किसी भी आसन के बाद अगर आपको ऐसा लगे कि सांस फूल रही है, कहीं क्रैम्प आ रहा है, तो रुक जाइए। आप अपनी बॉडी के हिसाब के बारे में ज्यादा जान सकते हैं बजाय कि टीचर के, तो आप बताइए कि आपको क्या तकलीफ हो रही है। रिलैक्स, डीप ब्रीथ करते हुए 2 से 3 काउंट डीप ब्रीथ करेंगे। प्रिपेयर फॉर त्रिकोण आसन, दोनों पैरों में गैप, हाथ ऊपर, शोल्डर लेवल्स, लेफ्ट साइड पैर मोड़ेंगे एक पैर, और साइड में स्ट्रेच करते हुए नीचे
पैर और हाथ दोनों सीधे, नीज और एल्बोज मुड़ने नहीं चाहिए, ऊपर देख सकते हैं तो दिखिए, पूरी तरीके का स्ट्रेच मिलना चाहिए बैक और लेग्स में। इसी स्थिति में 4 से 5 सेकेंड होल्ड, और धीरे धीरे वापस आ जाएंगे अपनी ओरिजिनल पोजीशन। पैरों में गैप रखते हुए दूसरी तरफ फिर से पैर मोड़िए, धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए नीचे जाएंगे, हाथ और पैर सीधे, होल्ड, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे वापस ऊपर, इसे 2 से 3 बार और रिपीट करेंगे दोनों तरफ, एक एक बार और। लेफ्ट साइड, शोल्डर लेवल हैंड्स, गैप इन योर लेग्स, गो डाउन, बेंड साइडवेज, एक्सहेल, लेग्स एंड हैंड स्ट्रेट। व्हेन यू होल्डिंग फॉर मोर देन 5 सेकेंड्स, कीप ब्रीदिंग, डोंट होल्ड योर ब्रेथ, एंड इनहेल एंड अप। कीप योर बैक स्ट्रेट। अदर साइड, दूसरी तरफ वापस सेम, धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए नीचे, एंड अप। बहुत ही सही। प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट आसन, कीप गैप्स इन योर लेग्स। हम दूसरा करेंगे पार्श्व त्रिकोण आसन। डीप ब्रीथ ले लीजिए, 2 से 3 काउंट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अगेन हैंड्स अप, शोल्डर लेवल पे हाथ शुरू, हाथ ऊपर कीजिए, पैर अगेन लेफ्ट साइड, क्योंकि हम लेफ्ट साइड मुड़ने चाहिए, मुड़ने वाले हैं। अब धीरे से लेफ्ट पैर को मोड़ लेंगे, नीज और हील्स एक लाइन में 90 डिग्रीज में आना चाहिए। जब ये हो गया तो धीरे से हाथ नीचे रखेंगे और बॉडी को एक स्लोप के तरह बनाएंगे, मतलब ऐसे हिप्स और बट्स ऊपर नहीं रहने चाहिए, स्लोप, आपका पूरा हाथ कमर पैर स्लोप होना चाहिए, फिसल पट्टी की तरह। धीरे जितना भी सेकेंड आप होल्ड कर सके, धीरे से वापस पैर सीधा कीजिए, और जैसे ही आसन में गए थे वैसे ही हम वापस आएंगे। टेक अ डीप ब्रेथ, प्रिपेयर फॉर सेकेंड साइड, अदर साइड, राइट साइड, पैर मोड़िए, धीरे से कमर मोड़िए, हाथ नीचे, और दूसरा हाथ स्लोप की पोजीशन। वेरी गुड। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापस आएंगे बिना किसी इंजरी या मसल पुल के अलावा के बिना, धीरे से वापस समस्थिति में आ जाइए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट आसन, दूसरा आसन, एक बैलेंसिंग आसन ले लेते हैं, कंसंट्रेशन फोकस के लिए कोई भी तरीके का बैलेंसिंग आसन बहुत अच्छा रहता है। प्रिपेयर फॉर वृक्षासन। बैलेंसिंग में एक चीज कभी भी ध्यान रखिए, अगर आप सामने कोई भी एक पॉइंट पकड़ के उस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपके पैर और कोई सा भी बैलेंसिंग आप कर पाएंगे। जब नजर या दिमाग इधर उधर घूमेगा तो बैलेंस भी गिर जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे पैर को जांघों पे जमाइए, यहाँ पैरों के बीच में गैप नहीं दिखनी चाहिए, जितना आप अभी कर सकते हैं अगर बिगिनर हैं तो। धीरे, जब पैर आपका जम जाए, धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाए, जोड़िए और अपर बॉडी को स्ट्रेच कर दीजिए। इसी स्थिति में हम 5 सेकेंड रहेंगे, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से पहले हाथ नीचे, सपोर्ट देते हुए पैर नीचे, ब्रीद इन ब्रीद आउट। कभी भी ऐसे कि ऐसे नहीं कि आपने एकदम से पैर छोड़ दिया, एकदम से हाथ छोड़ दिए, इसमें कहीं पे भी मसल पुल या इंजरी हो सकती है। ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे पोजिशन में गए थे वैसे ही वापस आएंगे। दूसरी तरफ का पैर, पहले पैर जमाएंगे, टोज नीचे की तरफ, थाइस दोनों एक लाइन में अलाइन, बॉडी स्ट्रेट, हाथ जोड़िए, अपर बॉडी स्ट्रेच कीजिए, और धीरे से 3,
दो एक नीचे। वृक्षासन में ऐसा नहीं कि आप कभी, क्या होता है कई बार आपको लगेगा अरे मैं तो अच्छे से कर पा रहा था, आज क्यों नहीं हो रहा। पजामा जो भी आपने पैंट पहना है बहुत इसमें इम्पोर्टेंस है, अगर नायलॉन का रहा तो पैंट खिस पैर खिसकेगा है ना। तो ऐसा नहीं है, कई बार अपन कपड़ों की वजह से भी आप कोई कोई आसन नहीं कर पाते। धीरे धीरे ब्रीद इन, नेक्स्ट आसन नटराज आसन, अगेन बैलेंसिंग पोज, जो पहली बार कर रहा है सामने की वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं। धीरे धीरे एक पैर पीछे मोड़िए, टोज उंगलियों से की तरफ से हाथ से पकड़िए, धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए नीचे जाएंगे, हाथ ऊपर पैर ऊपर कमर नीचे, और दूसरा हाथ, हाथ ध्यान दीजिए जैसे जैसे आप पोजीशन बैलेंसिंग में जाएंगे पहले बैलेंस फिक्स कीजिए, ठीक है। धीरे धीरे कमर नीचे, हाथ ऊपर दोनों तरफ, और आदर्श स्थिति फाइनल पोज, ब्रीथ एंड स्लोली गो डाउन। दूसरी तरफ पैर को जमाते हुए, हाथ ऊपर पैर ऊपर, कमर धीरे धीरे नीचे, एंड होल्ड। धीरे धीरे वापस आएंगे, ब्रीद की डीप ब्रीदिंग, सांस फूल रही है तो ब्रेक लीजिए, फूली हुई सांस के साथ दूसरा आसन मत करिए, आप पूरी तरीके से नहीं कर पाए। धीरे धीरे ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। हम नीचे बैठ के करेंगे, ये था स्टैंडिंग कुछ आसन्स। तो आसनों में भी चार तरीके की पोजीशन होती है, जैसे स्टैंडिंग, सिटिंग, सुपाइन मतलब सीधे लेटना, प्रोन मतलब उल्टे लेट के आसन, ठीक है। धीरे धीरे आप दंडासन में बैठ जाइए, कमर और बैक सीधी, दोनों पैर स्ट्रेट। आई थिंक मेरे लेग्स नहीं दिख रहे, ओके। नीचे बैठ जाइए और लंबी गहरी सांस लीजिए, नॉर्मलाइज कीजिए सांसों को। दंडासन, तब तक पैरों की मूवमेंट, थोड़ा सा पैरों को रिलैक्स कीजिए, अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट, एंड रोटेशन, टोज, नीज अप एंड डाउन, एंड रिलैक्स, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। जैसे कल एक आपको आसन करवाया था चक्की सॉरी नाव चलाना, आज करवाते हैं चक्की चलाना आसन। कमर के लिए बहुत अच्छा आसन है, पेट की चर्बी, पेट के सारे अंगों के लिए, जिनको बैक पेन है वो आगे कम जाएंगे पीछे ज्यादा जाएंगे, ठीक है। दोनों पैरों में गैप, चक्की का जो पल हैंडल रहता है आप एक इमेजिन कीजिए, राइट टो से लेते हुए लेफ्ट टो और वापस, जब आगे जाएंगे एक्सेल, पीछे इनहेल। पैर और हाथ मुड़ना नहीं चाहिए, कई बार हाथ मुड़ते भी हैं वो भी चलेगा, कोई बात नहीं, करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना हो सके कमर को पैक को मोड़े बिना गोल सीधा रखें, कम से कम 5 बार सभी करेंगे, 5 क्लॉकवाइज 5 एंटी क्लॉकवाइज। ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए धीरे धीरे 5 क्लॉक 5 एंटी क्लॉक। प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट आसन, अगेन टेक अ डीप ब्रेथ, ब्रीद इन ब्रीद आउट, भू नमन आसन। हमको ट्विस्ट होके साष्टांग प्रणाम करना है। अब कई बार ट्विस्ट होके पूरा नीचे जाना तो हर किसी के बस की बात नहीं है, धीरे धीरे जाइए हाथ मोड़ते हुए, गर्दन को सीधा रखिए, जहां तक जा पाते हैं वहीं तक जाइए, ठीक है। पूरा ट्विस्ट करेंगे, एक्सेल डाउन,
धीरे धीरे होल्ड जितना कर सकते हैं, वापस इनहेल अप, दूसरी तरफ, एंड डाउन, दो दो बार और दोनों तरफ, भुजंगासन ट्विस्ट कीजिए, धीरे धीरे पीछे जाइए, होल्ड कीजिए, वापस आइए, दूसरी तरफ, ट्विस्ट बैक, एक्सहेल, गर्दन सीधी, शोल्डर स्ट्रेट, गो डाउन, होल्ड, कम बैक, वन मोर टाइम, वन मोर सेट, राइट एंड लेफ्ट, पूरा ट्विस्ट, एक्सहेल करते हुए नीचे, होल्ड, कम बैक, ब्रीद इन, फिर से दूसरी तरफ, वेरी गुड। शोल्डर पे काफी खिंचाव आता है, इसलिए जहां तक जा सकते हैं वहीं तक कीजिए। धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस आप रोज करेंगे तो आप पूरा नीचे तक जा पाएंगे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ओके, दो आसन, दो से तीन आसन हम लेट के करेंगे। जब भी आप लेटें सीधे तो करवट लेके लेटें, ताकि आपकी मेरुदंड और कोर एरिया पे ज्यादा असर ना आए। कई बार ज्यादा प्रेशर आने की वजह से भी स्पाइन में प्रॉब्लम्स हो जाती है। धीरे धीरे नीचे जाइए, लेटिए, सीधे हो जाइए। आप कोई भी जो लेग रेज है आसनों में, उसके लिए जब पेट है हम इसको टक इन कर देंगे, मतलब कमर और जमीन के नीचे गैप नहीं होना चाहिए बीच। ओके, ब्रीद इन ब्रीद आउट। चाहे तो हल्के से सपोर्ट कमर के नीचे हाथ रख लीजिए। धीरे धीरे लेग रेज करेंगे, दोनों पैर साथ में, 45 डिग्रीज, होल्ड, 5 4 3 2 1। धीरे धीरे वापस नीचे, पटकना नहीं है, धीरे धीरे जाएंगे। रिपीट 2 टाइम्स मोर। एक्सहेल करते हुए ऊपर, 4 3 2 1, स्लोली डाउन। एक और बार रिपीट कीजिए सर, वेरी गुड। आप होल्ड एंड स्लोली गो डाउन, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। सेतु बंद आसन, नेक्स्ट आसन, दोनों पैरों पैरों को मोड़िए, हाथों से हील्स, आपकी एरिया टच होनी चाहिए, चाहे तो हल्का सा पकड़ लीजिए। अब इनहेल करते समय, करते हुए पेट को ऊपर ले जाना है, लाइक अ टेबल टॉप। धीरे धीरे शोल्डर्स के सहायता से पुश कीजिए, इनहेल अप, होल्ड, 5 4 3 2 1, स्लोली डाउन, वन मोर टाइम, इनहेल अप, थ्री टू वन, एक्सहेल डाउन, वन मोर टाइम, इनहेल अप, 5 4 3 2 1, एक्सहेल डाउन, डीप ब्रीथ, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। 2 से 5 सेकेंड नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए और धीरे से फिर से करवट लेके उठिए, प्राणायाम के लिए बैठ सकिए। कोई सा भी ध्यानात्मक आसन, सुखासन, पद्मासन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, आराम से बैठिए। ध्यान मुद्रा में हाथ घुटनों पे, हथेलियां ऊपर की तरफ, डीप ब्रीदिंग, इनहेल आ इन, एक्सहेल,
इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, नॉर्मल ब्रीदिंग। काफी लोग शाम को नाश्ता करके बैठे होंगे, कपालभाति आज नहीं करते। सिर्फ 5 राउंड अनुलोम विलोम, जिसको आता है वो कीजिए, जिसको अभी नहीं आता है मत कीजिए। ऑल्टरनेट ब्रीदिंग, बाई नासिका से लेफ्ट नॉस्ट्रल से शुरू करेंगे। प्रणव मुद्रा, प्रणव मुद्रा, 5 राउंड अनुलोम विलोम। आज का सेशन खत्म हुआ। अब हम आपके क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हैं। प्लीज रेज हैंड कीजिए, और मैं और राजीव सर मिलके, निहारिका मैम से मिलके, जितने भी हम आपके डाउट्स हैं, आई एम श्योर कि मैं हम ठीक कर पाए, डाउट सॉल्व कर पाए। तुष्यंत, तुष्यंत जी ने आपने एक क्वेश्चन लिखा है चैट बॉक्स में। क्वेश्चन ये था कि यदि हम लोग मदरसों या मुस्लिम स्कूल में योगा सेशन कराने जा रहे हैं तो उनके लिए क्या प्रेयर होनी चाहिए। देखिए, मुस्लिम लोगों की प्रेयर्स ऑफ कोर्स सब में होती है, प्रार्थना तो सभी धर्मों में होती है, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो या वो। आपको अगर उनकी कोई भी प्रेयर पता है तो ले लीजिए, वरना मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं जिनका भी लेती हूँ जो अदर धर्म, दूसरे धर्मों के लोग हैं, प्रार्थना मैं उनको बोलती हूँ मन में या जोर से, आप आपकी प्रार्थना बोलिए, मैं मेरी प्रार्थना बोलती हूँ। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, अगर उनकी प्रार्थना आपको आती है तो करवाइए, बहुत अच्छी बात है। प्रार्थना तो सबके लिए प्रार्थना ही है, इसमें भाषा का या धर्म का कोई लेना देना नहीं है ना। तो प्लीज प्रार्थना आप उनकी उनको करने दीजिए, आपकी आप कीजिए। बहुत सारे ऐसी होती है, ऐसे हैं उनके लिए कि हम उन नहीं बोल सकते, हम आपकी प्रेयर नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं, वो उनकी उनको प्रार्थना बोलने दीजिए। ठीक है जी, और किसी को कोई क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो खुद लेती हूँ, काफी यूएई और पाकिस्तान के क्लाइंट्स हैं, कोई इश्यू नहीं है। कुछ लोगों ने जैसे मुझे बोला कि मैडम मैं नहीं ले सकती, हमको नहीं अलाउड है, या घर में कोई सुन लेगा तो हमको नहीं करने देगा, है ना। बहुत सारे किसी किसी के पास रिस्ट्रिक्शन हो रहे हैं, फिर भी वो करना चाह रहे हैं, तो आप वैसे करवाइए जैसे वो कर सके, कंटिन्यू कर सके, है ना। आपको उनको उनके हिसाब से करने दीजिए, हम अपने हिसाब से कीजिए। कोई भी प्रार्थना या ऐसे को लेके, मतलब उसमें कोई अड़ंगा नहीं आना चाहिए, ये बात है जी। आप अनम्यूट, हैंड्स रेज कीजिए प्लीज, ये चैट बॉक्स में बार बार पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। प्लीज हैंड रेज कीजिए, मैं आपको अनम्यूट करवाती हूँ, आप अनम्यूट कीजिए, क्वेश्चन पूछिए हैंड रेज करके। किसी को और कोई क्वेश्चन है? हेलो, हाँ जी श्रुति जी बोलिए। कल में हाफ सेशन मेरा म्यूट हो गया था, पूरा होस्ट ने म्यूट किया था तो मुझे कुछ मिला नहीं। और मैं योगा बहुत साल से करती हूँ, बहुत साल जी से, मैम, तो जी मॉर्निंग टाइम मुझे बहुत प्रिफर होता है कि 5:45 इज माई टाइम फॉर योगा। हाँ अभी जी बहुत साल से करती हूँ तो जो बैठ गया है ना दिमाग में, तो उसमें जी कुछ चेंज नहीं हो सकता। जी तो अभी चेंज करवाना है तो क्या करें? और अभी आपके आवाज में ज्वाइन करना, मुझे थोड़ा थकान सी महसूस होती है क्योंकि सुबह मैं बहुत जल्दी उठती हूँ। 3:30 इज माई टाइम टू वेक अप। ओ हाँ आई एम जी टेकिंग वॉक एंड बिफोर दैट आई एम टेकिंग मेडिटेशन ऑल्सो। हाँ जी 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 सर, मैडम ये जो
अगर आप कोर्स के टाइम की बात कर रहे हैं तो प्लीज जो फाउंडर है राजीव सर या सच्चिदानंद उनसे बात कीजिए, आई एम श्योर उनके पास कोई ना कोई ऑप्शन मुझे उनसे ही बात करनी है, तो है। जी डायरेक्ट फोन से बात कर सकती हूँ? हाँ, डायरेक्ट फोन से बात कीजिए ना। राजीव ओके ओके, सर थैंक प्लीज यू सो नो। मच. जी यस थैंक यू सो मच. जी अच्छा, पुष्पा जी पूछ रही है स्कूल में किस प्रकार से शुरू करना चाहिए योग। किस प्रकार से मतलब, देखिए आपकी क्लास है, आप अपना प्लान बनाइए, आपके हिसाब से रूटीन रखिए, वैसे शुरू कीजिए। अगर आपको ऑलरेडी आपके पास जॉब है तो, नहीं तो आप अगर सर्टिफाइड हैं तो स्कूलों में देके जाइए। आजकल सारे स्कूल में योगा टीचर्स रहते हैं, सभी स्कूलों में, और जो बड़े स्तर के बहुत बड़े बड़े स्कूल्स हैं उसमें भी रहते हैं। तो स्कूलों में तो आजकल बहुत ही अच्छा हो गया है, टीचर्स रहते हैं, तो आप जाके शुरू करवाइए अपनी क्लास। आपको एक जो भी पीरियड दिया जाएगा तो वो आपको प्लानिंग नहीं बताएंगे, प्लानिंग आपको ही करनी है। तो आप बच्चों के हिसाब से, जिस भी एज के बच्चे हैं उनको आप क्या क्या करवा सकते हैं तो वो आप अपने हिसाब से प्लान कीजिए और शुरू कीजिए डेफिनेटली। ठीक है, वर्ल्ड वाइड। अच्छा, स्कूलों में आप पूछ रहे कि वर्ल्ड वाइड सर्टिफिकेट है क्या, सजल जी पूछ रहे, सजल हुसैन सर, ये RYT की सर्टिफिकेशन है, ये वर्ल्ड वाइड ही है, वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन है। ठीक है मैम, योग में मुद्रा का कैसे बेनिफिट होता है? मुद्रा का बहुत बेनिफिट होता है, जो ये पांच उंगलियां हैं, काया मुद्रा होती है, हस्त मुद्रा होती है, चेहरे की मुद्राएं कुछ कुछ होती है, समझ लीजिए काकी मुद्रा हो गई या जीवा या अलग अलग मुद्रा हो गई। तो इनसे कहीं ना कहीं आपकी बॉडी का क्लेंजिंग, अनब्लॉकेज, जो भी नर्व्स या वेन्स, आपकी जो भी नाड़ियां कहीं ना कहीं ब्लॉक होंगी माइनर, वो आपको सही होता है। मुद्रा समझ, थोड़ा सा स्लो हीलिंग प्रोसेस है बाकी आसन और प्राणायाम के कंपैरेटिवली, लेकिन होलिस्टिक हीलिंग देता है। मतलब अंदर के जो अंडरलाइंग कॉज है, बेसिक रीजन, जो भी रूट कॉज होगा, उससे वो आपको मुक्ति दिलाता है। थोड़ा लंबे समय तक करना पड़ता है डेफिनेटली, पर बेनिफिट मिलता है। जी ठीक है, तो फिर मेरे ख्याल से और किसी को और कोई क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं, वरना हम आज का ये वेबिनार यहीं सर बंद करते हैं। थैंक यू राजीव सर, थैंक यू निहारिका मैम वेबिनार के लिए। जी थैंक यू मैम. जी थैंक यू सो मच। और कोई भी क्लास का क्वेश्चन है तो प्लीज फाउंडर को, राजीव सर को कॉल कीजिए, आपके पास उनका नंबर है, सब वो आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, हरिओम। थैंक यू.